शुभ दोपहर। आज हम 26 अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे निफ्टी 17,631.90 के आसपास कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स 59,106.05 के आसपास कारोबार कर रहा था। कंपनी आज 26 अगस्त को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगी। इश्यू प्राइस ₹220 प्रति शेयर तय किया गया है। IPO में कुल 766 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का एक ताज़ा मुद्दा और 3,360 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव OFS शामिल था। रियल्टी प्रमुख स्वतंत्र मंजिलों की बेहतर मांग पर हरियाणा के पंचकुला में अपनी नई लग्जरी आवास परियोजना से लगभग 1,300 करोड़ रुपए की बिक्री राजस्व का लक्ष्य रख रही है। DLF ने पंचकुला में 34 एकड़ का नया प्रोजेक्ट वैली गार्डन लॉन्च किया है। निजी ऋणदाता ने कहा कि उसने अपने EGM में पारित एक प्रस्ताव के बाद अपने बोर्ड में दो गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशकों को नामित निदेशकों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास ने भारत में अपना हेयर केयर ब्रांड एनोमली लॉन्च करने के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस ई कॉमर्स फर्म FSN ई कॉमर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जो नायका ब्रांड के तहत काम करती है। कलेश्वरन अरुणाचलम ने मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 2 सितंबर को काम के घंटों के बाद प्रभावी होगा। नेको के शेयर आज के बाजार में 10% अपर सर्किट पर कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इनफ्लाइट कनेक्टिविटी के प्रमुख प्रदाता इंटेलसेट ने भारत के प्रमुख उपग्रह संचार सेवा प्रदाता नेको के साथ एक समझौते के माध्यम से भारतीय आसमान में इंटेलसेट की इनफ्लाइट कनेक्टिविटी सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। GIC हाउसिंग फाइनेंस ने कहा है कि वो अपने पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाने के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर बॉन्ड जारी करके 2,500 करोड़ रुपए तक जुटाने पर विचार कर रही है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।